नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्कूलों की आज भी छुट्टी की गई है। स्कूल भी शुरू होगा या नहीं, ये बारिश के हालात को देखकर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मणिपुर में 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप का केंद्र उखरूल में 20 किलोमीटर जमीन के नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के झटके सुबह 5 बजे महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने एक लड़की का 11,000 रुपए का चालान किया है। वो सड़क पर बाइक चलाते हुए फिल्म स्टाइल में रोमांस कर रहा था। दिल्ली में करीब 3 लाख लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त चीनी दिए जाने का लाभ मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने यह भी बताया है कि गरीबों को ये मुफ्त चीनी कब तक दी जाएगी। गुरुग्राम के बहुचर्चित रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की फाइलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस संबंध में बैंक ने पुलिस को बताया कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से फाइलें पाई गई हैं। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। जयपुर में लगातार एक नहीं बल्कि 3 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिस्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज कराई गई है। झटके महसूस करने के बाद लोग दहशत में दिखे। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज से पहले ही आलिया भट्ट और रणवीर सिंह लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। 28 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार रॉकी और रानी इन दिनों प्रमोशंस का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल चौथी बार पिता बन गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रियला डेमेटिएट्स ने बेटे को जन्म दिया है। अर्जुन और गैब्रियला का ये दूसरा बच्चा है, जबकि पहली पत्नी से अर्जुन रामपाल को 2 बेटियां हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 13 अगस्त को आखिरी T20 मैच खेला जाएगा और फिर 18 अगस्त से आयरलैंड का दौरा शुरू हो जाएगा, जिसमें 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। यदि आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।